हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्क। आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है COVID-19 का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं PVR सिनेमास की। तो आप जैसा जानते हैं, कहीं भी अगर लॉकडाउन लगा है तो सबसे पहले मॉल्स और उसके अंदर भी सिनेमा हॉल्स बंद हुए थे COVID-19 के अंदर। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि ये कंपनी क्या है, क्या इसका बिजनेस है। तो जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑलमोस्ट जो भी सिटी पॉपुलेशन वाला पर्सन है, अर्बन पॉपुलेशन है, आइडिया तो है कि PVR क्या है, PVR सिनेमास क्या है। मॉल में जो थिएटर्स होते हैं ज़्यादातर, उनमें ऑलमोस्ट मेजॉरिटी PVR के ही होते हैं। एंड देट इज़ वन ऑफ इट्स कोर स्ट्रेंथ की काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में इनके सिनेमास बने हुए हैं। तो आप ऑलमोस्ट जब भी मॉल वॉल अगर कोई जाता है तो वो फन के लिए जाता है, तो मूवी देखना इज़ पार्ट ऑफ देट। एंड उस तरह से ये काफ़ी सारी लोकेशंस पे बने होते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि ये इंडस्ट्री लीडर है। ऑलमोस्ट 176 इनके सिनेमाज है अक्रॉस 71 सिटीज़ इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी चाहते हैं। स्ट्रेटेजिकली वही लोकेशन चूज़ कर रहे हैं जहाँ बड़े कॉम्पिटिटर्स इनके सामने ना आए, वो एक इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। प्लस काफ़ी डिसेंट फाइनेंशियल्स है इस कंपनी के। इवन आफ्टर COVID-19 ये जो हम देख सकते हैं कि काफ़ी कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन आए। PVR के साथ भी वो हो सकता था, वो बैंकरप्सी की कगार पे भी जा सकती थी, बट ओवरऑल हम देखेंगे कि ये अभी भी खड़ी हुई है और कोशिश कर रही है कैसे ना कैसे ग्रो करने का इन द लॉन्ग रन। तो वो एक बात है जो हमें बताती है कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग थी पहले, इसकी वजह से ये अभी भी अपने आप को मेंटेन कर पा रही है। आप इसके अगर यहाँ पे कुछ इमेजेस जो मैं बता रहा हूँ वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने लग्जरी थिएटर्स भी ये ऑफर करते हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि नॉट ओनली मिडिल क्लास या नॉर्मल पीपल जो मूवी एक्सपीरियंस वाला, बट इवन एक जो लग्जरी एक्सपीरियंस है जैसे PVR गोल्ड, IMAX, 4DX, इस तरह की भी इनकी ऑफरिंग्स होती है जो बहुत ही ज़्यादा रिच पीपल को ये कैटर करने के लिए बनाते हैं। अब हम अगर बात करें इसके फाइनेंशियल मॉडल की, तो सबसे पहले तो जैसे आपने हमारे पुराने वीडियोस अगर नहीं देखे तो मैं सजेस्ट करूँगा जाके देखिए, वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिकमेंडेशन है आपके लिए। बट उनमें भी आपने देखा होगा कि मैं इस तरह से अपना फाइनेंशियल मॉडल नहीं दिखाता हूँ, बट यह दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो फर्स्ट 4 ईयर दिख रहे हैं आपको 2019 तक, उसमें इसका रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, सिमिलरली प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। बट जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं 19-20 के बाद, तो 19 और 20 में आप देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट धीरे धीरे काफ़ी कम हुआ और इवन नेगेटिव हो गया लास्ट ईयर। प्लस इसका रेवेन्यू भी बहुत सिग्निफिकेंटली गिर गया था लास्ट ईयर। उसका पूरा सेम रीज़न यही है कि पूरे साल लॉकडाउन रहा, कोई बड़ी मूवी आई नहीं, एंड ऑलमोस्ट जब भी आई तो वो इतने लोग अलाउड नहीं हुए, 50% कैपेसिटी, ऑल दोज रीजन्स जिसकी वजह से इसका रेवेन्यू गिरा, प्लस लॉस में चली गई ये कंपनी। नौ हम वहाँ से ये सोच रहे हैं कि अभी जो 22 का भी इसके रिजल्ट्स आएंगे उसमें भी ऑलमोस्ट इतना ही रेवेन्यू रहेगा। बीच में एक आध क्वार्टर अच्छा गया था, उसके अलावा जब ये 83 सूर्यवंशी जैसी मूवीज़ बनी थी उस समय में ये ठीक किया था, उसके बाद वापस ये गिरने लगा है। तो हमारा ये मानना है कि अभी मार्च तक ऑलमोस्ट सिमिलर ही सिचुएशन रहेगी, इसलिए ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी। तो अगले साल मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी ऑलमोस्ट 60-70% ऑक्यूपेंसी जो इनकी पास्ट में रहती थी उतनी तो ये अटेंड कर ही लेंगे, अगर बीच में एक आध महीने का कुछ लॉकडाउन लगा भी तो भी। तो वो समझ के मैं मान रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर मीन्स 2022 से 2023 वाला जो ईयर है फाइनेंशियल, वो अच्छा होगा और उसके बाद तो धीरे धीरे और ग्रोथ होगी। और एक चीज़ हम सब समझ चुके हैं कि लोग मूवी थिएटर में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसका एक एक्सपीरियंस होता है, OTT वगैरह सब आए, बट जैसे ही थिएटर ओपन हुए थे आपने देख ही लिया कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ मूवीज़ के लिए लगी और काफ़ी हिट हुई वो मूवीज़। तो वो एक चीज़ हम समझ रहे हैं, हम मान रहे हैं कि इन द लॉन्ग रन लोग वो एक्सपीरियंस जो है थिएटर का वो मिस कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूसली जाएंगे एंड थिंग्स वुड बी बैक टू नॉर्मल एटलीस्ट इन दिस इंडस्ट्री। तो उस हिसाब से हमने देखा कि ये फाइनेंशियली ग्रो करेगा और उस बेसिस पे हमने जब अपना वैल्यूएशन किया तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर तो इनका प्रॉफिट नेट इनकम नेगेटिव रहने वाली है, बट धीरे धीरे ये ग्रो करेगी इनकी नेट इनकम। ये सारी चीज़ें जब हमने एनालाइज़ की तो हमें समझ में आया कि ये जो कंपनी है इसकी वैल्यूएशन 12% कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड 6% ग्रोथ रेट के हिसाब से आज की तारीख में होनी चाहिए 1688 रुपीज़। तो ये इसका हमारे हिसाब से टारगेट प्राइस आया। नाउ एक चीज़ है कि जो आप लोग मेरे अगर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए नए लोग हैं तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर मुझे ईमेल करके shoaib.fisk@gmail.com पे, या फिर आप
और भी तरीके जो हमने यहाँ पे डिटेल में दिए, उस तरह से मुझसे कांटेक्ट करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, बिकॉज वहाँ पे मैंने ये स्टॉक जब 1000 था, 1200 था, ऐसे कई ओकेजन्स आए जब ये रिकमेंड किया, तो उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल दे चुका है अभी तक लोगों को, क्योंकि मैंने उस टाइम पे 1000-1200 के रेंज में भी इसको रिकमेंड किया था। एंड लगभग बार बार लॉकडाउन लग रहा था, तो ये ऑलमोस्ट कई बार ये नंबर फिगर टच किया। अब अगर हम देखें अभी की प्राइस, तो हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस कहता है कि अगर थोड़ा सा इसका ग्रोथ 6% ही रहा, प्लस इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11% अगर हम माने, तो 2400 रुपीज़ होना चाहिए इसका प्राइस। लेकिन अगर इसकी ग्रोथ कम हो गई 5 से कम वर्स्ट केस में, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11% ही रखी, तो भी ये 1762 का है अगर हम 11% कॉस्ट ऑफ इक्विटी रखें। लेकिन चूंकि ये एक रिस्की स्टॉक है, हमें उसको पिनलाइज करना पड़ेगा थोड़ा, तो 12% तो हमें बेयर मिनिमम इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी माननी चाहिए। उस हिसाब से ये जो कंपनी है, बिकॉज ऑफ द रिस्क प्रीमियम, इसका प्राइस 1688 इज़ वॉट वी कंसिडर एज मोस्ट सेंसिबल फिगर। थोड़ा बहुत अपसाइड मेरे हिसाब से हो सकता है, बट 1688 या मैं कहूँगा 1700 इज़ द आइडियल फिगर जो ये कंपनी अचीव कर सकती है आज की तारीख में, बेस्ड ऑन अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक इन द फ्यूचर। तो अब हम बात करते हैं इसकी रिकमेंडेशन की। तो हमारे हिसाब से ये सेल रिकमेंडेशन है, क्योंकि अभी ये 1610 का चल रहा है, 1688 हमारे हिसाब से इसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए, तो ये ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू पे ही है। तो अगर जो भी लोगों ने हमारे रिकमेंडेशन या और कहीं से भी इसको परचेस किया हुआ था 1200, 1300, इवन 1000 के प्राइस पे, तो उनके लिए ये राइट टाइम है इसको सेल करने का, बिकॉज बहुत ज़्यादा अपसाइड होनी नहीं है। अगर आप सोचोगे कि मैं 70-80 रुपये और कमा लूँ, तो वो आपके 300-400 में हो सकता है, ये बीच में कभी गिर जाए तो भाई है, बट हाँ फेयरली लॉन्ग रन में भी ये 1700 कुछ ही टच करेगा। सो देर इज़ नो सेंस इन कीपिंग दिस स्टॉक फॉर ए लॉन्ग रन एज ऑफ नाउ। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने इसको लिया ही महंगे में ऑलमोस्ट 1650, 1640 या 1700, तो आप थोड़ा इसको होल्ड कर सकते हैं साथ, सो देट ये 1700 टच करे। अभी बीच में क्या होगा कि कुछ अच्छी मूवीज आएगी, तो ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा स्टॉक, जिससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। उस टाइम पे ये ओवर वैल्यूड ज़रूर होगा, मार्केट बिहेवियरल फाइनेंस से चलता है, तो हो सकता है ये कुछ टाइम के लिए वो ओवर वैल्यूड प्राइस अटेन करें, और उस टाइम आप इसका स्टॉक निकाल सकते हैं। बट जो ऑलरेडी प्रॉफिट पे बैठे हैं, मेरा सजेशन उनको यही है कि अभी आप इस स्टॉक को सेल कर दीजिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को पसंद किया है आपने, तो प्लीज़ पे योर फेयर शेयर। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।